कर दो, हुआ था रिकॉर्डिंग। चलिए हम लोग क्या स्टार्ट किए थे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है ना, उसमें हम लोग एक टॉपिक मात्र पढ़े हैं, एक टॉपिक पढ़े थे इसेंशियल एलिमेंट ऑफ, एक मिनट निकाल लेते हैं, पहला यूनिट पढ़े थे जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप। जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप में हम लोग पहला पढ़े क्या, पहला टॉपिक क्या पढ़े, एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप में क्या चीज देखे, पांच चीज देखे, पांच चीज इसमें होना चाहिए है ना, पांच चीज इसमें होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। पहला क्या बोल रहा था कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन होना चाहिए, दो या दो से अधिक आदमी मिलकर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसी को हम पार्टनरशिप कहेंगे, ठीक ना। फिर बोला कि पार्टनरशिप ऐसे नहीं होगा, उसके लिए क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। हम लोग फिर आगे देखे थे कि एग्रीमेंट ओरल या फिर रिटर्न दोनों चलेगा, ठीक है, बोलकर या लिखकर दोनों चलेगा, ठीक है। सिर्फ यहाँ बोला एग्रीमेंट होना चाहिए, इसमें नहीं बोल रहा है कि बोलकर होना चाहिए लिखकर होना चाहिए, आगे लेकिन पढ़ेंगे उसमें बोलेगा लिखा हुआ भी चलेगा और बोलकर भी चलेगा। फिर बोला क्या, पार्टनरशिप किस लिए होना चाहिए, किसी बिजनेस पर्पज से होना चाहिए, और उसका मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट मेकिंग है ना, प्रॉफिट मेकिंग मोटिव होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला कि पार्टनरशिप बिजनेस का कंडक्ट जो है, बिजनेस का कंडक्ट कोई भी पार्टनर, कोई भी एक पार्टनर कर सकता है या फिर उनमें से सभी कोई कर सकता है, समझ गए। तो हम लोग पांच चीज ये पढ़ चुके थे, इसको विस्तार से पढ़े, ठीक है। अब आगे आते हैं, आगे क्या है देखिए, ठीक है, आगे आते हैं, आगे क्या बोल रहा है, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप मतलब पार्टनरशिप का हम टेस्ट कैसे करेंगे, इसमें लिखा है कि पार्टनर कैसे जानेंगे कोई पार्टनरशिप में है तो कैसे जानेंगे, जो हम लोग पढ़े हैं उसका एसेंशियल एलिमेंट हम देखेंगे कि पार्टनरशिप में वो एसेंशियल एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। हम लोग क्या पढ़े थे एसेंशियल एलिमेंट में, क्या करते कि दो या दो से अधिक आदमी होना चाहिए, फिर एग्रीमेंट होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, प्रॉफिट को शेयर होना चाहिए, फिर किसी बिजनेस पर्पस से होना चाहिए, प्रॉफिट मेकिंग उसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और फिर क्या करेगा, बिजनेस का कंडक्ट जो है वो क्या करेगा, उनमें से कोई एक या फिर सभी के द्वारा कंडक्ट होना चाहिए बिजनेस का। तो यही चीज हम देखेंगे कि पार्टनरशिप जो है ये सब एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। यदि एग्जिस्ट करता है तो हम मानेंगे क्या, पार्टनरशिप का टेस्ट ये पास हो गया, ठीक है। यदि एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम मानेंगे पार्टनरशिप ये यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, तब कोई और है। यह हो सकता है कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, या फिर हो सकता है जॉइंट वेंचर हो सकता है कोई प्रॉफिट मेक, मान लो एब्सेंट होगा प्रॉफिट मेकिंग वो नहीं करता है, तो हो सकता है ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हो, समझ गए। तो चलिए आइए देखते क्या बोलता है, इसको समझा दिया, अब इसको हम लोग एक बार पढ़ेंगे, ठीक है, लाइन बाय लाइन पढ़ा देते हैं तो आप लोग को क्या होगा, पढ़ने में थोड़ा ईजी होगा, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, मोड ऑफ डिटरमाइनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप, ये कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 6 है, किसका, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, यह सेक्शन 6 है, ठीक है। इसे बोल रहा है इन डिटरमाइनिंग वेदर ग्रुप ऑफ पर्सन इज और नॉट ए फर्म, बोल रहा है कि हम कैसे जानेंगे ग्रुप ऑफ पर्सन फर्म है या नहीं है, उसको कैसे जानेंगे, तो बोला उसको जानने के लिए हम क्या देखेंगे, फॉर डिटरमाइनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप इट मस्ट बी प्रूव्ड, है ना, ये सब हम देखेंगे, ये सब चीज होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, पहला बोला क्या, एग्रीमेंट होना चाहिए सभी पार्टनर्स के बीच, सभी पर्सन के बीच क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। फिर क्या बोला, उससे जो प्रॉफिट होगा बिजनेस जो चलाएगा, बिजनेस चलाने के लिए जो एग्रीमेंट होगा उससे जो प्रॉफिट होगा उसको क्या करेगा, बांटेगा, ठीक है, उसको शेयर करेगा। फिर बोल रहा है बिजनेस को कौन चलाएगा, एक्टिंग बाय ऑल, सभी चला सकता है या फिर
एनी ऑफ देम, हम यही चीज पढ़े थे क्या कहते हैं उसका इसेंशियल में यही चीज पढ़े थे, उसी को हम देखेंगे पार्टनरशिप एग्जिस्ट कर रहा है नहीं। यदि एग्जिस्ट कर रहा है तो हम मानेंगे वो क्या है, पार्टनरशिप है, नहीं कर रहा है तो हम मानेंगे नहीं है। समझ गए, चलिए आगे आइए। अब एग्रीमेंट, इसको फिर डिक्टेशन क्या है, पूरा डिटेल में डिक्टेट किया हुआ है, एग्रीमेंट है, शेयरिंग प्रॉफिट है, तीनों पॉइंट को। फिर एजेंसी के केस में, एजेंसी में क्या होता है, कोई प्रिंसिपल होता है, जैसे आइए शुरू से एग्रीमेंट हम लोग पढ़े, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो एग्रीमेंट आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, जैसे बोल रहा है इसमें पढ़ देते चलिए। पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट, पार्टनरशिप किसके द्वारा क्रिएट होता है, एग्रीमेंट के द्वारा क्रिएट होता है, नॉट बाय स्टेटस, किसी स्टेटस के द्वारा पार्टनरशिप मतलब राज नहीं होता है। जैसे अब इसमें एग्जाम्पल दिया कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, ठीक है, उसमें सब कोई मिलके अपना घर मतलब कोई बिजनेस चलाता है, या फिर मतलब घर क्या कहता है, घर में फैमिली बिजनेस होता है, फैमिली बिजनेस को चला रहा है, तो उसको हम नहीं कहेंगे कि वो पार्टनरशिप में है ना, बाय स्टेटस से हम नहीं कहेंगे पार्टनरशिप। हाँ, उसका एग्रीमेंट हो जाता कि पार्टनरशिप, उसका शेयरिंग रेशियो होता, तब हम मानते कि वो पार्टनरशिप में है, समझ गए। फिर आगे क्या बोला, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, आइए शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट में आइए, ये एग्रीमेंट वाला फिर आप पढ़ लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन होगा तो फिर बाद में डिस्कस करेंगे इसका, ये क्लास चूंकि रिकॉर्ड हो रहा है तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे। चलिए आप लोग को पहले पढ़ा लेते हैं, फिर अनम्यूट कर देंगे, फिर उसमें से जो पूछना हो तो पूछ सकते हैं। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और ग्रॉस रिटर्न अराइजिंग फ्रॉम प्रॉपर्टी बाय पर्सन होल्डिंग ए जॉइंट और कॉमन इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी डज नॉट इटसेल्फ मेक सच पर्सन पार्टनर। जैसे कल ये क्या बोल रहा है, ये लाइन बोल रहा है, कल जैसे हम एग्जाम्पल दिए थे कि इस बिल्डिंग में हम लोग जैसे जहाँ पर क्लास चलाते हैं, इस बिल्डिंग को हम लोग किस पे रेंट पे लिए, इसका कोई ओनर होगा, दो तीन ओनर, मान ले दो भाई है तो दो ओनर हो गया। अब वो लोग बोला कि इससे आने वाला जो रेंट है वो हम शेयर कर लेंगे, तो चूंकि ये रेंट उसका बिजनेस नहीं है, ठीक ना, लैंड को अपना प्रॉपर्टी को यदि रेंट पे दे रहा है तो ये उसका बिजनेस नहीं है, तो इसको यदि शेयर करेगा तो इसमें ये बोल रहा है कि यहाँ पे पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तब देखिए आप आगे क्या बोल रहा, द रिसीट बाय पर्सन, रिसीट बाय पर्सन ऑफ ए शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ बिजनेस और पेमेंट कंटिजेंट अपॉन अर्निंग ऑफ प्रॉफिट वेरिंग विद प्रॉफिट अर्न्ड बाय बिजनेस। मतलब कोई बिजनेस चला रहा है कोई चीज, तो वो बिजनेस का प्रॉफिट क्या होगा, वेरी करेगा, मंथ जैसे मंथ वाइज कोई रिपोर्ट तैयार करता है, ये ईयरली रिपोर्ट तैयार करता है, उसका प्रॉफिट कंसिस्टेंट नहीं रहता है। मान लो पहला साल हुआ यदि 1,00,000 रुपया इनकम हुआ तो दूसरा साल जरूरी नहीं कि 1,00,000 होगा, हो सकता है 2,00,000 हो जाए, वेरी करेगा, हो सकता है कम हो जाए, ठीक है। तो वही बोल रहा है वेरी करेगा, ठीक है, वो किसी पेमेंट कंटिजेंट अपॉन अर्निंग, और क्या बोल रहा है कि उससे बिजनेस से जो अर्निंग आएगा, बिजनेस से जो अर्निंग आएगा तो उससे क्या करेगा पार्टनर, क्या करेगा ऑन रिसीप्ट ऑफ सच शेयर, उससे जो शेयर कोई पेमेंट अगर रिसीव करेगा तो उसका यूज कहाँ करेगा, यूज कहाँ करेगा, किसके बिहाफ में करेगा, पार्टनरशिप बिजनेस के बिहाफ में करेगा, किसी को क्या कर सकता है पार्टनर, किसी को वो किसी को उधार दे सकता है, किसी से उधार ले सकता है, समझ गए, किसी का उससे जो पेमेंट आएगा उसका वो यूज करेगा, ठीक है। अब बोल रहा है ये सब क्या है, बाय लेंडर ऑफ ए बाय ए लेंडर ऑफ मनी टू पर्सन इंगेज और अबाउट इंगेज इन एनी बिजनेस, बाय ए सर्वेंट और एजेंट एज रेम्यूनरेशन, बाय ए विडो और चाइल्ड और डिसीज्ड पार्टनर एज एन्यूटी, ठीक है, बाय प्रीवियस ओनर और पार्टनर और पार्ट ओनर ऑफ बिजनेस एज कंसिडर फॉर सेल ऑफ गुडविल और शेयर देयर ऑफ डज नॉट इटसेल्फ मेक रिसीवर ए पार्टनर विद पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस। बोल रहा है ये सब हम दे रहे हैं तो हम नहीं मानेंगे कि ये क्या है पार्टनर में पार्टनरशिप है, उसके बदले हम देख रहे हैं। जैसे क्या बोल रहे हैं, किसी को हम किसी आदमी को पैसा दे रहे हैं, ठीक है, किसी आदमी को पैसा दे रहे हैं, ठीक है, इंगेज अबाउट टू इंगेज बिजनेस में इंगेज होने के लिए उसको हम पैसा दे रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी से हम अपना बिजनेस को चलाने के लिए कोई एजेंट रखे हुए हैं या फिर कोई सर्वेंट रखे हुए, उसको हम क्या दे रहे हैं, रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, इसको हम पार्टनरशिप नहीं कर रहे हैं, नहीं कहेंगे, ठीक है। कोई डिसीज्ड पार्टनर, कोई पार्टनर मर गया तो उसके विडो को या फिर उसके चाइल्ड को क्या करते हैं, हम पेमेंट करते हैं, एनुअल पेमेंट करते हैं कुछ पैसा, क्यों, क्योंकि उसका जो अपना पार्टनर जो है पहले यहाँ पे काम किया हुआ था,
ठीक है, यहाँ पे काम क्या होता है वो उसका गुडविल बनता है, तो उसके एवज में हम उस मतलब इस पार्टनरशिप बिजनेस को बढ़ाया तो उसके एवज में हम उसको क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं उसके विधो को या फिर उसके चाइल्ड को, तो इसको भी पार्टनरशिप नहीं करती, ठीक है। या फिर बाय प्रीवियस ओनर ऑफ पार्ट ओनर ऑफ बिजनेस एक कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुडविल, मतलब गुडविल बेचता है, ठीक है, तो उसके बदले में पेमेंट करते हैं, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। फिर इसको टॉपिक को खत्म करते हैं, उसके बाद हम आते हैं, ठीक है। बीच में वही सब लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा, उसके बाद यहाँ से पढ़िए ये वाला जो बोल्ड में लिखा हुआ है, इसमें आइए। अब थोड़ा बड़ा कर दिए, देखिए चलिए इसमें आइए, इसमें क्या बोल रहा है, बट टास्क बिकम डिफिकल्ट व्हेन आइदर देयर इज नो स्पेसिफिक एग्रीमेंट। क्या पहला क्या बोला था कि एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट में नहीं बोला कि ओरल होना चाहिए या फिर रिटर्न होना चाहिए, मतलब ओरल होना जरूरी है या फिर रिटर्न होना जरूरी है, ये नहीं बोला, बोला कि ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। तो इसमें बोल रहा है बट टास्क बिकम डिफिकल्ट, टास्क क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, कब, वेदर देयर इज नो स्पेसिफिक एग्रीमेंट, यदि स्पेसिफिक एग्रीमेंट नहीं हो तो टास्क क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। द एग्रीमेंट सच डज नॉट स्पेसिफिकली स्पीक पार्टनरशिप, जहाँ एग्रीमेंट ये नहीं बोल रहा है कि ये सब पार्टनरशिप में एग्जिस्ट करता है, मतलब ओरल में आप पार्टनरशिप चला रहे हैं, तो पहले तो शेयरिंग और प्रॉफिट में हो सकता है झगड़ा हो जाए, कोई पार्टनर आपको धोखा दे दिया तो आप उस पर स्यू नहीं कर सकते, ये सब प्रॉब्लम आएगा, समझिए। तो क्या होना चाहिए, पार्टनरशिप क्या होना चाहिए हम लोग का, रिटर्न में होना चाहिए, है ना, क्योंकि रिटर्न में होगा तो हम लोग का क्या मिलेगा, पार्टनर को लीगल राइट मिलेगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक पढ़िए, उसका अनम्यूट करते हैं आप लोग को, कहीं कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलिए बोलिए नयन, ऋतिक, हाँ सर, कहीं कोई दिक्कत, एग्रीमेंट में सर बोल रहा है जो पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट बट एंड नॉट बाय स्टेटस, हाँ वही बोला, बोले पार्टनरशिप का क्या, हाँ पार्टनरशिप क्या होना चाहिए, क्रिएट होना चाहिए एग्रीमेंट के द्वारा, नॉट बाय स्टेटस, मतलब स्टेटस का मतलब क्या हुआ कि जैसे इसमें एच यू एफ बना दिया हुआ है, सब कोई आदमी क्या है आपस में जुटा हुआ है ना, सबका रिलेशन है आपस में, ठीक है, तो सब कोई मिल के बिजनेस कर रहा है, तो ये यहाँ पे एग्रीमेंट नहीं हुआ है, समझ गए, ये स्टेटस के द्वारा नहीं बोल सकते हैं कि सबको हम लोग मिल के क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो हम एज एन स्टेटस मान लेंगे कि ये पार्टनरशिप है, समझ गए, मतलब स्टेटस क्या, सिंबल से पता चले कि पार्टनरशिप है, तो सिंबल से तो हमको पता चल रहा है कि चलो साथ में मिलकर काम कर रहा है, अच्छी बात है ना, बिजनेस कर रहा है, तो इसको हम, लेकिन लॉ के द्वारा बोल रहा है कि एग्रीमेंट होना जरूरी है, हम इसको पार्टनरशिप नहीं मानेंगे, ठीक है। चल यहाँ तक हो गया, हाँ। अरे गुड़िया, गुड़िया को अनम्यूट कर देते हैं, हाँ बोलो, हेलो, चले नहीं आ रहा उसका, चलिए आगे आते हैं, आगे टॉपिक और है, अब एजेंसी, देखिए एजेंसी के केस में पार्टनरशिप एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है वो चीज देखना, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है पहले पढ़ लीजिए, एजेंसी में क्या होता है, पहले एजेंसी क्या होता है ये समझा देते हैं, ठीक है, फिर आप लोग को लाइन बाय लाइन पढ़ के समझा देते। एजेंसी देखिएगा कि अभी मार्केट में देखिएगा सुधा का हर एक जगह अपना अपना काउंटर है, तो सुधा कंपनी मिल्क कहाँ से आता है, सुधा कंपनी से आता है,
फिर वो अपना अपना काउंटर को देता है, फिर वहां से क्या करता है कस्टमर, रिटेल कस्टमर वहां से बाय करता है। तो ये जो है जगह जगह पे काउंटर जो खुला हुआ है, तो ये जो है ये एजेंट हो गया, ठीक है, ये मतलब सुधा का एजेंसी लिया हुआ है, यह केवल सुधा का ही दूध बेचेगा, दूसरा कंपनी का दूध नहीं बच सकता। जैसे डेयरी मिल्क का देखिएगा जगह जगह काउंटर होगा, समझ गए, तो वो उसका फ्रेंचाइजी मतलब एजे क्या कहते हैं एजेंसी लाइसेंस ले लेता है, तो सारा चॉकलेट वगैरह वहीं से आता है, ये लोग का काम रहता है बेचना, तो ये सब कहेंगे एजेंट, और जिस कंपनी का बेच रहा है उसको कहेंगे प्रिंसिपल, समझ गए। तो प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होता है यहाँ पे। तो हम लोग पार्टनरशिप में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, पार्टनर क्या होता है, एक दूसरे का प्रिंसिपल भी होता है और एक दूसरे का एजेंट भी होता है, पढ़े थे ना, कल ही पढ़े थे, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें हम लोग क्या पढ़े थे, आगे आते हैं, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ म्यूचुअल एजेंसी विच इज कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप लॉ इज वेरी मच हेल्पफुल इन रीचिंग ए कंक्लूजन इन दिस रिगार्ड। ईच पार्टनर केयरिंग ऑन बिजनेस इज द प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट ऑफ अदर पार्टनर। देखिए कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ लॉ क्या बोल रहा है कि हर एक पार्टनर है ना जो बिजनेस कर रहा है वो क्या हो सकता है, एक दूसरे पार्टनर का क्या है, प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है, मतलब दूसरे को क्या कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है और दूसरे का ऑर्डर उसको मानना भी पड़ेगा, समझ गए, इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। सो द एक्ट ऑफ वन पार्टनर डन ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, मतलब फर्म के बिहाफ में कोई एक पार्टनर यदि काम किया है, कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो वो क्या बोल रहा है, वो बाइंड होगा सभी पार्टनर पे, समझ गए, सभी पार्टनर पे वो क्या होगा, बाइंड होगा, ठीक है। इफ द एलिमेंट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन पार्टीज कंसल्टिंग ए ग्रुप फर्म विद ए व्यू टू अर्न प्रॉफिट बाय रनिंग बिजनेस पार्टनरशिप मे बी डीम्ड टू एग्जिस्ट। बोलता है म्यूचुअल एजेंसी, आप म्यूचुअल एजेंसी चला रहे हैं, ठीक है, म्यूचुअल एजेंसी का मतलब रिलेशनशिप बोल रहा है, उसको एग्जिस्ट कब करता है, बिटवीन पार्टीज कंसिस्टिंग ग्रुप फॉर्म, मतलब ग्रुप बना के कोई एजेंसी चला रहा है तो उसको बोल रहा है, यदि आपका बिजनेस का मोटिव क्या है, प्रॉफिट मेकिंग है, आप प्रॉफिट के लिए बिजनेस को चला रहे हैं, ठीक है, तो बोल रहा है ये क्या कहेगा, पार्टनरशिप इसको माना जाएगा। तो इस पैराग्राफ हम लोग क्या देखें, क्या देखें कि पार्टनर क्या है, प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है, ठीक है, और क्या बोल रहा है, कोई ग्रुप ऑफ पर्सन है जो कि बिजनेस चला रहा है प्रॉफिट मेकिंग के लिए, तो उसको हम क्या मानेंगे, पार्टनरशिप में डीम्ड टू एग्जिस्ट, वहां पे क्या एग्जिस्ट करता है, पार्टनरशिप एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ म्यूचुअल एजेंसी विच इज कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप लॉ, कार्डिनल प्रिंसिपल क्या बोला था ईच पार्टनर केयरिंग ऑन बिजनेस इज द प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट ऑफ अदर पार्टनर, मतलब हर एक पार्टनर क्या हो सकता है, प्रिंसिपल और एजेंट दोनों हो सकता है। इसमें देखिए क्या बोलता है, एग्जिस्टेंस ऑफ म्यूचुअल एजेंसी विच इज कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप लॉ इज वेरी मच हेल्पफुल इन रीचिंग कंक्लूजन इन दिस रिगार्ड। ईच पार्टनर केयरिंग ऑन बिजनेस इज द प्रिंसिपल, कोई चीज लिखा हुआ है, इज द प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट ऑफ अदर पार्टनर, ठीक है। सो एक्ट ऑफ वन पार्टनर डन ऑन बिहाफ ऑफ, एक मिनट, ठीक है, तो इसमें क्या बोला, एक्ट ऑफ वन पार्टनर डन ऑन बिहाफ ऑफ फर्म बाइंड्स ऑल पार्टनर, सभी पार्टनर पे क्या होगा, बाइंड होगा। इफ द एलिमेंट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, ये सेम चीज लगता है, दोबारा लिखा है, सेम चीज उसी चीज को कॉपी कर दिया, उसी में केस लॉ था, केस का था, केस लॉ आप लोग को पढ़ना नहीं है, केस लॉ पढ़िए, उतना पूछता नहीं है, केस लॉ से उतना मतलब भी नहीं, सीए फाउंडेशन लेवल पे केस लॉ पे ज्यादा फोकस नहीं करता है, अच्छा पढ़ सकते हैं, क्या बोल रहा है, इन सेंट्री रंजन दास गुप्ता एंड दर्शन क्या जामुन, तो सुप्रीम कोर्ट में केस किया था, इसमें क्या आया था, फ्लोइंग फैक्टर वेट अपॉन द सुप्रीम कोर्ट टू रीच द कंक्लूजन दैट देयर इज नो पार्टनरशिप बिटवीन द पार्टीज, पार्टी के बीच पार्टनरशिप नहीं माना जाएगा, क्या नहीं माना जाएगा, पार्टीज हैव नॉट रिटेन एनी रिकॉर्ड ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का टर्म, जैसे कल हम एक एग्रीमेंट दिखाया उसमें क्या था, टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ था पूरा,
कि ये टर्म कंडीशन पे बिजनेस करेगा, बोलता है वो चीज नहीं है तो हम नहीं मानेंगे तो अभी पार्टनरशिप एग्जिस्ट करता है। दूसरा क्या बोल रहा है, पार्टनरशिप बिजनेस हैज मेंशनड नो अकाउंट, यदि पार्टनरशिप बिजनेस का कोई अपना अकाउंट नहीं है ठीक है तो भी हम मानेंगे वहाँ पर पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं करता। नो अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप वाज ओपनड इन एनी बैंक, किसी बैंक में पार्टनरशिप का अकाउंट नहीं खोला गया तो हम मानेंगे वहाँ पर पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं करता। नो रिटर्न इंटीमेशन वाज कन्वेंड टू द डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोक्योरमेंट विद रिस्पेक्ट टू द न्यूली क्रिएटेड पार्टनरशिप। क्या बोला, नो रिटर्न इंटीमेशन वाज कन्वेंड टू, मतलब बोलता है पार्टनरशिप एक्ट के तहत आप यदि क्रिएट नहीं कर रहे हैं ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट के तब जैसे हम लोग कंपनी का ये करते हैं रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें आरसी को इन्फॉर्म करते हैं, उसी तरह पार्टनरशिप का आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो डिप्टी डायरेक्टर को आपको क्या करेगा, क्या करना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए कि हम पार्टनरशिप बिजनेस चला रहे हैं। तो यदि आप इन्फॉर्मेशन नहीं दिए हुए हैं, मतलब आप कहीं से रजिस्ट्रेशन नहीं लिए हुए हैं, तो हम मानेंगे नहीं कि आप पार्टनरशिप बिजनेस में ठीक है। तो हम आज क्या देखें, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, इसको चलिए कंक्लूड करते हैं। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का टेस्ट करने के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा कि बेसिक एलिमेंट जो हम लोग पढ़े थे पार्टनरशिप में, कि पार्टनरशिप के लिए ये चीज मेरा बेसिक एलिमेंट है, वो सारा चीज एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। पहला क्या है कि एग्रीमेंट है या नहीं है। दूसरा क्या देखेंगे, बिजनेस से जो प्रॉफिट आ रहा है वो शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है। और तीसरा क्या देखेंगे, जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस है, बिजनेस को चला रहा है तो सब कोई चला रहा है या नहीं चला रहा है, सबको चला रहा है या फिर किसी एक के द्वारा चलाया जा सकता है, ऐसा हो रहा है या नहीं। बिजनेस वाज कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है। बिजनेस किसी के द्वारा, एक किसी एक के द्वारा चलाया जा सकता है या फिर सभी के द्वारा चलाया जा सकता है। चलिए ठीक है, इसको आज यहीं तक एक टॉपिक ही पढ़ाएंगे, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, पहले ये रिकॉर्डिंग कर लेते, इसको बंद कर लेते, फिर आप लोग को दोबारा कनेक्ट करेंगे ठीक है, दोबारा आप लोग से डिस्कस करते हैं।